आपके दीदी नाम का? दुलारी कुमारी। दुलारी कुमारी। बाबू आपके कौन महीना भइल? 10 माह के। का नाम बतौले हैं? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार ये बताएं कि 10 माह के भइलन त इनका के का खियैं? दाल चावल। दाल चावल कतना लिमिट में खाइने? जैसे हमने के खाना खाते नहीं जाई पता चला था हतना लेके चावल बैठत नहीं तो हमने के खाते जाई तो बच्चा कहीं ना कि हतना खान से उतना खैनी करके मात्रा में कतना खियाई ना कतना खिया दो बता के तो पहले गई बनी आपके याद बा कि भुला गई बनी? हमके याद है नहीं भुला गई बनी। तो चलिए फिर से बता दे तनी 6 महीना से 8 महीना के जब बच्चा रहलन जा तो पा भर कटोरी देखले बनी पा भर कटोरी में आधा कटोरी खाना मुलायम पतला तो मुलायम पतला गल्ला रहे के चाहिए कि आराम से चम्मच उठा के खिला सकी ना। अगर 9 महीना से 11 माह के हो जिहन जैसे कि इहो चुकल बड़ो तीन कटोरी पा भर कटोरी में लेके आधा आधा कटोरी तीन टाइम शाम सुबह दोपहर या खाना खिला के ना। ऐसे नहीं खिया के उनको में दुकर खा लेलन उनको में दुकर खा लेलन ऐसे नहीं खियावे के पा भर कटोरी ले ले ओकरा में आधा कटोरी तीन टाइम सुबह शाम दोपहर या खाना खियाल जरूरी बा। साल भर से 2 साल हो जिहन दीदी तो पूरा पूरा कटोरी पा भर के कटोरी में तीन टाइम खियावे के बा। जैसे मान के चली 7 गो डब्बा इनका खातिन बा 7 गो डब्बा में एगो डब्बा में बा अनाज और कंदमूल जैसे कि चावल बा आटा बा मकई बा ये सब खिया सकी ना। एकरा में से एगो ले लें दाल दाल कौनो चीज के या सोयाबीन दाल खियाई दाल काहे खातिन खियावल जला वृद्धि विकास होई ओकरा से बहुत इतना जान तो नहीं जो माड़ भात खियाई तो माड़ भात से एक दुकोर खाई दाल खियाई ओकरा के बढ़िया लगी तो दुकोर बेसी खाई पूरा प्रोटीन रहेला दाल में चावल रोटी खियाई तो एकरा से शारीरिक विकास होई दीदी। दूसरा में दाल खियाई तो एकरा से प्रोटीन मिली शारीरिक विकास होई। मांस और मछली खियावतनी मांस और मछली कलेजी होई तो ओकरा के मुलायम अगर सिंच जाए तो मुलायम करके बाबू को खिला सकी ना तो ओकरा से शारीरिक विकास और खून बढ़े में भी मदद दी। चौथा में दीदी अंडा अंडा के डब्बा अलग बा अकेले बा काहे दीदी कि बहुत सबसे हट के ही काम करता जैसे कि बाबू के दिमाग तेज करी। अंडा अगर उबाल के बाबू के खियावत नहीं मिस के मसल के तो एक दिमाग तेज हुई बच्चा के पढ़े लिखे में ठीक रही दिमाग के विकास जल्दी हुई। दूध और दही से बनी चीज 5वां डब्बा में दूध एवं दूध से बनी चीजें जैसे घी हो गई खोआ दही पनीर ये सब खियाई दीदी तो बाबू के हड्डी मजबूत रही। दूध से दही से घी से बाबू के कैल्शियम मिली कैल्शियम मिलेला एक से कि कैल्शियम मिले से हड्डी इनकर शरीर के मजबूत रहेला ये खातिन खियावल जला। 6ठा डब्बा में बा दीदी हरे पत्तेदार सब्जी और लाल पीला रंग के फल और सब्जियाँ जैसे कि खून बढ़ाई पपीता बा पालक बा मेथी जान तनी हरा मेथी के साग उहो खियाई तो फायदा करी। गाजर खियाई तो उहो फायदा करी। आम के सीजन में आम खियाई तो फायदा करी। जामुन के सीजन में जामुन खियाई तो फायदा करी। तो ई दीदी खून बढ़ावे खातिन भी काम देवेला आँख के रोशनी बढ़ावे खातिन भी काम देला आ रोग से लड़े के भी काम दी बाबू के। अन्य सब्जी 7वां डब्बा में आ गई अन्य सब्जी अन्य सब फल भी आ गई। अन्य सब्जी में यही बैगन भिंडी परवल नेलुआ लौकी गोभी पात गोभी ये सब खियाई तो रोग से लड़े के बाबू के क्षमता दी। फल में आ गई अमरूद आ गई जैसे मौसमी लीची हो गई लीची के सीजन में आम के सीजन में आम हो गई जामुन के सीजन में जामुन हो गई अमरूद के सीजन में अमरूद हो गई ये खियाई दीदी रोग से लड़े के फायदा मिली। तो ये बाबू के आती के बतावल जाता है बाबू शारीरिक विकास हुई मानसिक संतुलन भी कर सही रही। आप नहीं चाहत कि हमारे बाबू निरोग रहे स्वस्थ रहे खियाई ध्यान देव तभी दीदी हुई। साल भर के हो गई
तो कोशिश करें कि पाव भर कटोरी में इनका के बना के खिलाएं, आधा आधा कटोरी तीन टाइम। जैसे मान के चली खिचड़ी बनावत नहीं, खिचड़ी में चावल ले लेनी, दाल ले लेनी, ओकरा में मूंगफली बादाम जरूर डाल, तीन गो हो जाई। या गोभी के सीजन आई दीदी तो गोभी के ओकरा में डाल सकी ना, तीन गो हो गई। अगर पालक के सीजन रही तो एक मुट्ठी पालक भी खिचड़ी में डाल सकी ना, ओकरा ऊपर ले घी या तेल डलेबे कर खिचड़ी बना के ऊपर। खीर बनावे के अगर आपके होई तो चीनी में ना बनाई, इनका कहते हैं गुड़ में बनाई, दूध डाल दही, गुड़ डाल दही, चावल डाल दही, तीन गो हो गई, ओकरा बाद में बादाम डाल दही, चार गो हो गई। अगर हलुआ बनावे के बाद तो सूजी के आटा के बनाई, ओकरा में बादाम डाल दही, घी डाल दही, दूध डाल दही, चार किसी तरह हो जाए कर दीदी। ओकरा बाद में आपका छूटत है नमकीन, अगर हलुआ बनावे के होके तो सूजी आटा के बनाई, तो ओकरा में आटा या सूजी लेबे करब, एगो हो गई, बादाम डाल दी, दू गो हो गई, गाजर के सीजन होके तो तीन गो डाल दी, घी डलबे कर, चार गो हो जाई। कि हम करे बाबू के चार गो पूरा करे के अलग से खाना बना के खियाई। अगर दाल चावल बनावत हम तो ओकरा के लेके मसल दी, मसल के ओकरा के मुलायम कर दी, गला दी, ओकरा बाद में घी डाल दी ऊपर से। ऐसे घी डालने से ऐसे होला कि वो खाना आराम से लैका निगल जाई, चिकनाहट हो जाला ऊपर। तो ये जरूरी बा दीदी, बच्चन के ध्यान देवे के बा कब तक, जब हमार बच्चा छः महीना से ऊपर हो, सतवा महीना पर, ओकरा बाद में दो साल तक, दो साल तक ध्यान दे दे दीदी, तो आपके बाबू निरोग भी हो जाई, शारीरिक विकास हो भी और मानसिक संतुलन भी शरीर ठीक रही, पूरा दिमाग तेज रही, तभी तो पढ़ी लिखी आगे बढ़ी। बच्चन के कमजोरी हो जाता, खान पान सही नहीं रह तो ना चापल हो जाता, सन लंबाई नहीं बढ़ा, शारीरिक विकास नहीं हो, उसे इतना बात ध्यान रखो। और फिर हम एक महीना के अंदर में कब आ जाए को ठीक नहीं के, फिर पूछो आपसे, याद करके रखो, दोबारा आई आपके पास के घर में, फिर से साथ देता नहीं, याद रखो, जब ध्यान देव जा वही जगह बता दे, बंद कर। थैंक यू दीदी।